अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को रमज़ान का 10वां रोज़ा मुबारक। तो आज हम बनाने लगे हैं पोटैटो चीज़ बॉल। चलिए रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू थे, इनको मैंने उबाल के तो मैश करके रख लिया था। एक ग्रीन चिली बीच में ऐड कर दिया मैंने, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दिया, 1/2 टेबल स्पून ही तकरीबन मैंने सॉल्ट ऐड किया है, 1/2 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया है, 1 टेबल स्पून भर के मैंने मायोनीज इसमें ऐड कर दी। अब इस बैटर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हाथ पे लगाएंगे ऑयल, ऑयल लगा के फिर ये बैटर को हाथ पे रखेंगे। अब इसमें चीज़ जो है ना वो इसमें ऐड करेंगे, ये स्लाइस वाली चीज़ है, ये ऐड करके बस अब इसकी बॉल्स बनानी है। थोड़ा सा आलू का वो कम लग रहा था, मैंने इसमें और डाला है। ये देखें, ये बॉल रेडी हो गए हमारे। इस तरीके से ना आप लोगों ने सारे बॉल्स जो है ना बना लेने। अच्छा जी, अब ये कॉर्नफ्लोर लिया है। अब कॉर्नफ्लोर में अच्छी तरीके से इसको पोटैटो चीज़ बॉल को कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर जो एक अंडा लिया है उसमें अच्छी तरीके से डिप करेंगे। अच्छा, उसके अलावा जो है ना, ये मैंने 2 लेस के पैकेट लिए थे, चीज़ लेस के पैकेट। तो ये कुछ मैं पहले बना चुकी हूँ, तो ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैं भूल गई थी। अब ये देखें, लेस जो है ना मैंने हल्की हल्की सी कूट लिया था इसको ना मैंने। लेस लगाने के बाद ना इसको अच्छी तरीके से हाथों से दबा लें ताकि वो अच्छी तरीके से चिपक जाए। बस उसके बाद मैंने इसको किया फ्राई, गोल्डन होने तक इसको फ्राई करें। तो हमारे पोटैटो चीज़ बॉल रेडी हैं, देखें ये कितने क्रिस्पी बने हैं। मैंने कहा आपको एक तोड़ के भी दिखाऊं। ये देखें कितने चीज़ी बने हैं। साथ ही साथ अलीशा ने पढ़ी थी नात, वो भी आप सुनिएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि मेरी बेटी ने नात कैसी पढ़ी है। या तोईबा, या तोईबा।